हेलो प्यारा बच्चों, नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम संख्या 20 से भाग देना सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। भाग के चिन्ह को ऐसा लिखते हैं बच्चों, ठीक है। किस में देना है इस संख्या को यहाँ लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में एक संख्या लेता हूँ, 9, 8, 5, 7। या ये आपको कभी कभार ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। सबका मतलब यहाँ पे नीचे की संख्या का ऊपर में डिवाइड करना। तो देखिए कुछ ऐसे लिखेंगे भाग करने के लिए। अब बच्चों सबसे जो बड़ी दिक्कत आती है कि हम भाग करने का शुरुआत कहाँ से करें, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका बताना चाहूँगा आपको मैं। यदि ये दो अंकों की संख्या है तो यहाँ पर दो अंकों को लेकर चलना है पहले, और क्या देखना है, क्या यह 20 से बड़ा है। यस, ये 20 से बड़ा है, यानी 20 का भाग दे सकते हैं। 20 का भाग आप कब दे पाएंगे बच्चों, जब संख्या 20 से बड़ी हो या 20 के बराबर। अब हम 20 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका इससे बड़ा ना आए। जैसे हम 4 से गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है। 5 से गुणा करें तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 100 आएगा, जो कि इससे बड़ा है, नहीं चलेगा। कितना आ गया, 80 आ गया। फिर घटाना रहता है, और अगला एक अंक की संख्या को मैं यहाँ ले आता हूँ। अब बच्चों जैसे 20 को हम 6 से गुणा करते हैं, 9 से गुणा करते हैं तो बैठेगा, ठीक है। 6 से तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, 0, 9, 2, 18। भाग कितनी बार गया, जिस संख्या से गुणा करते हैं कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया, 5। अगले एक अंक को यहाँ ले आते हैं। अब 20 को 3 से गुणा करते हैं, 60 आ रहा, जो कि इससे बड़ा है। तो 20 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 40। फिर हम इसको घटाते हैं, कितना आ गया, 17। यह जो 17 है इसको हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। और ये आपका बच्चों क्या है, भागफल है।